पहले तो कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट लड़ा करते थे आइडियोलॉजी के आधार पे, अब दुनिया में लड़ाइयां किस आधार पे होंगी? तो आप दुनिया के अलग अलग देशों में देखेंगे धर्म, वंश, भाषा, इस आधार पे लड़ाइयां हो रही हैं, डिवीजन हो रहे हैं, एक दूसरे का द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। और तो भारत में जो मुख्य कॉन्फ्लिक्ट है अभी वो है, क्या हम विविधता चाहते हैं कि क्या हम एक ही रंग चाहते हैं? अब इससे आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो आपको अपनी इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी। समाज में धर्म और जाति के आधार पर परस्पर द्वेष बढ़ाने वाली बहुत बातें चल रही हैं और मेरे मित्रों पर भी उसका परिणाम होता है, तो उससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? तो आपका जो सवाल है वो सिर्फ आपको नहीं, मुझे लगता है इस देश के कम से कम आधे लोगों को आज परेशान कर रहा है। और अचानक क्या हो गया कि हमारे देश के लोग भारतीय के रूप में सोचने के बजाय हिंदू मुसलमान के रूप में सोचने लगे हैं? ऐसा क्या हो गया अचानक और क्यों हो गया? तो जो हो रहा है वो तो आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उसका मैं वर्णन करने नहीं जा रहा हूँ कि कैसे समाज में बुरा हो रहा है, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, उसका वर्णन नहीं करूँगा। जो हो रहा है उसके एक कारण मीमांसा ये है कि राजनीति चलाने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। कोई किसान को संगठित करेगा, कोई मजदूर को संगठित करेगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है कि हमको राजनीति के आधार ढूंढना है, तो हम एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ अगर भड़काते हैं तो रेडीमेड वोट बैंक मिल जाती है। जब राजनीति का आधार धर्म होने लगता है या जाति होने लगती है, या तो जैसे अभी मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर में आपने देखा कि मैती और कुकी इनके बीच में संघर्ष हो रहा है। ये संघर्ष एक और संघर्ष है आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी। मैती लोग गैर आदिवासी हैं, कुकी लोग आदिवासी हैं। दूसरी ओर ये संघर्ष खेती करने वाले विरुद्ध पहाड़ों में रहने वाले। तीसरी ओर ये संघर्ष ज़्यादातर मैती हिंदू हैं और ज़्यादातर कुकी हैं, उनमें से काफ़ी क्रिश्चियन हैं। तो देखिए, एक ही चीज़ को तीन कम से कम विभाजन के एक्सिस मिल गए, तो ये तो राजनीतिक नेता वालों के लिए सोने की खदान हो गई। मैती के वर्सेस कुकी को लड़ा दो, खेती करने वालों विरुद्ध आदिवासी को लड़ा दो या पहाड़ी वाले को लड़ा दो, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन को लड़ा दो, इतने एक्सिस पे समाज को विभाजित किया जा सकता है। तो जो विविधता है उसको अगर हम डिवीजन का आधार बना देते हैं तो राजनीतिक पक्ष की, राजनीतिक नेता की तो चांदी होती है, लेकिन समाज का विभाजन होता है, उसका क्या वर्स्ट स्वरूप हो सकता है अभी हम मणिपुर में देख रहे हैं। तो एक मायने में मणिपुर इज अ स्मॉल टेस्ट केस और लेबोरेटरी ऑफ डिविजिव पॉलिटिक्स। इट हैपेंड फर्स्ट इन गुजरात, देन सब्सिक्वेंटली स्टेट आफ्टर स्टेट इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, दैट मॉडल इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। तो एक तो ये एक वास्तव हुआ, इसके पीछे का भारतीय समाज में विविधता है ये तो हमको समझ भी लेना चाहिए, जान भी लेना चाहिए। अब सवाल ऐसा है, विविधता किसको परेशान करती है? क्या आप अपने क्लोन के साथ रहना चाहते हैं? क्या आपको विविधता में रहना पसंद है? खुद थोड़ा अपने बारे में सोचिए कि क्या आप विविधता के साथ कंफर्टेबल हैं कि विविधता आपको डराती है? एक सवाल पूछूं, आप लोगों के कितने लोगों के व्यक्तिगत मित्र दूसरे धर्म के कोई ना कोई व्यक्ति है? थोड़ा हाथ ऊंचा करें।
वाह क्या बात है। अगर ये सचमुच भारत का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा तो फिर मुझे लगता है भारत में जो आप कह रहे हैं वो डिविजिव पॉलिटिक्स चल नहीं सकता है। लेकिन मुझे लगता हो भी सकता है कि आप भारत का सैंपल नहीं हैं, आप थोड़े अनयूजुअल हैं, इसलिए शायद निर्माण में आए होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग आज स्थिति ऐसी है कि आप शहरों में देखेंगे वो जो कॉलोनी होती है रहने की, वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम को अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वो भी बोर्ड लगा रहे हैं कि वेजिटेरियन कॉलोनी में नॉन वेजिटेरियन खाने वाला नहीं चलेगा। अभी तो हमको धर्म वाला ही नहीं चलता है, फिर हमको राज्य वाला भी नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का कर्नाटक से झगड़ा है, बेलगांव जो सीमा का है भाग उस पर, जैसे चीन और भारत का झगड़ा है उस सिक्किम के पास जो भूमि है उसके बारे में, गलवान के बारे में, वैसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी झगड़ा है। तो हम तो अनलिमिटेड ढंग से हेट कर सकते हैं। अगर हम दूसरे को दुश्मन माने हैं, हम विविधता को दुश्मन माने, हमसे जो भी थोड़ा भी भिन्न है उसको हम दुश्मन मान लें, तो देर आर अनलिमिटेड वेज इन विच वी कैन मेक एनिमीज। और उसकी संभावना तो आज इसलिए बहुत है कि सारी दुनिया पास में आ रही है। एक ज़माने में महाराष्ट्र के एक देहात में बस उसी देहात के लोग रहते थे, मराठी लोग रहते थे। अब पूना में जाइए, पूना महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल है, पूना आधा मराठी है लेकिन आधा गैर मराठी है। पहले पूना वालों का शायद गैर मराठी लोगों से बहुत ताल्लुक ही नहीं आता था, अब तो ताल्लुक आए बगैर कोई चारा नहीं है। सो वी हैव ऑल बीन क्राउडेड इन टू अ स्मॉल स्पेस, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑक्यूपेशन, जेंडर्स। तो ये विविधता तो है, उसको कुछ लोगों को उससे डर लगता है। वो जो डर लगता है उसको थोड़ा डीपर साइकोलॉजी में उसके जाने की जरूरत है कि उनको क्यों डर लगता है। बल्कि अक्सर तो ये होता है कि आप विविधता को बहुत खुशी से, नहीं तो मोनोटोनी होती है, बोर्डम होता है, वही वही चीज तो बोर्डम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को विविधता का डर लगता है, उस डर का कैपिटल करके, उस डर को और बढ़ा के, उसमें और पेट्रोल डाल के, उस डर को लोगों के मन में, सर्वसामान्य सभी के मन में उस डर को बढ़ा के विभाजन की रेखाएं आखी जाती है, उसी पे पॉलिटिकल करियर नेताओं का, पार्टी का बनता है। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा ये है कि थोड़ा इसका लंबा गर्म व्यू लें तो एक सैमुअल हंटिंगटन नाम के हार्वर्ड के प्रोफेसर ने करीबन 30 साल पहले एक थीसिस लिखा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस ऐसा उसका नाम है। वो थोड़ा इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हम जो भारत में देख रहे हैं वो सिर्फ भारत का फेनोमेनन नहीं है, वो एक बड़े लंबे ऐतिहासिक काल का ग्लोबल फेनोमेनन है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की क्या मान्यता है कि दुनिया में पहले जो पूंजीशाही कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, इस पर कोल्ड वॉर चला 40 साल, उसके बाद में रशिया चीन सभी लोगों ने सोशलिज्म छोड़ दिया, तो अब कैपिटलिज्म इज द ओनली इकोनॉमिक फिलोसफी। एक ज़माने में डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, लेकिन वेस्टर्न मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी बिकेम ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म, ऐसा उसको लगा, सैमुअल हंटिंगटन को लगा। तो उन्होंने ये सवाल खुद को ही पहले पूछा कि अब दुनिया में लड़ाइयाँ किस आधार पे होंगी। पहले तो कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट लड़ा करते थे आइडियोलॉजी के आधार पे, अब कैसे लड़ेंगे? अब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, एक ही आइडियोलॉजी दुनिया भर में है, ऐसा उसको लगा। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि इसके आगे की जो लड़ाइयाँ होंगी, विभाजन होंगे, ये सांस्कृतिक आधार पे होंगे। और अब सांस्कृतिक आधार पे लोगों का विभाजन होगा, लड़ाइयाँ होंगी, तो सांस्कृतिक का मतलब क्या? धर्म के आधार पे होंगी, वंश के आधार पे होंगी, भाषा के आधार पे होंगी, प्रादेशिकता के आधार पे होंगी, और आप
उसके पहले भी वो होती थी, लेकिन हंटिंगटन थीसिस के बाद में ज़्यादा ध्यान में आने लगा कि अरे ये जो कह रहे हैं वैसे हो तो रहा है। तो आप दुनिया के अलग अलग देशों में देखेंगे धर्म, वंश, भाषा इस आधार पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिवीजन हो रहे हैं, एक दूसरे का द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। और भारत में एक बड़ा प्रवाह है लोगों का जो ये मानता है कि भारत ये एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा, एक राजकीय पार्टी और एक नेता, इस ढंग का बनेगा तो मजबूत होगा, सर्वशक्तिमान होगा। तो भारत में जो मुख्य कॉन्फ्लिक्ट है अभी वो है क्या हम विविधता चाहते हैं कि क्या हम एक ही रंग चाहते हैं, और क्या एक ही धर्म और एक ही आइडियोलॉजी का दूसरों पे लादा जा सकता है। ये लड़ाई है, ये खींचातान और संघर्ष है। इसका इतिहास बड़ा लंबा है, लेकिन अभी पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुका है, और आप लोग, आपकी पीढ़ी जो है वो उसको देख रही है, महसूस कर रही है, और मुझे डर ये है कि शायद आपके पीढ़ी को तो पूरी जीवन भर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक इलेक्शन का या एक साल का मामला नहीं है। कम से कम 100 साल से इसकी तैयारी की जा रही है। 1925 में नागपुर में RSS की स्थापना हुई। तो RSS के मान्यता ये है कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस पर दूसरे लोगों ने आक्रमण करके हमको दबाया है, लेकिन हम श्रेष्ठ हैं। तो एक हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र भारत में होना चाहिए, और अब सिर्फ उसको भारत का ही नहीं, अब तो विश्व गुरु बनने के सपने देखने लगे हैं। 1925 में उन्होंने स्थापना की, तब से ले के अब 98 साल हो गए। 98 साल में इस विचारधारा के लोगों ने सिंगल माइंडेडली एक ही काम किया है कि हिंदू को संगठित करो, लेकिन हिंदू को संगठित करना हो तो किसी के खिलाफ करना पड़ता है। आपको मैच भी खेलनी हो तो कोई अपोनेंट लगता है ना, उसके बगैर कोई टीम संगठित ही नहीं होती है। तो अपोनेंट जो है कभी वास्तविक होता है, कभी काल्पनिक होता है। अचानक औरंगजेब को इतिहास से लाया जाता है, औरंगजेब को गालियां देने, अरे औरंगजेब कहाँ है अभी, इज इट द प्रॉब्लम? लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, क्योंकि पंचिंग के लिए कोई आधार चाहिए। तो करीबन 98 साल से ये चल रहा है, इसलिए बहुत ताकत उन्होंने बनाई है। उन्होंने समाज में बड़े पैमाने पर आपके उम्र के लोगों के मन में ये भाव पैदा किया है कि वी वर्सेस दे, हम और वे। वे जब वो कहते हैं वो लोग, तो उनके दिमाग में बहुत क्लियर होता है कि वो लोग कौन हैं। वो हेट ऑब्जेक्ट जो हैं, वो उन्होंने हेट ऑब्जेक्ट एक कम्युनिटी को बनाया है और उसको टारगेट कर रहे हैं। अब सवाल आपके मूल इस पे कि इससे कैसे बचा जाए। तो पहले तो अपने अंदर के, क्या मेरे अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है कि मैं दूसरे जाति के, दूसरे धर्म के, दूसरी भाषा के लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ? और अगर नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? तो पहले तो अपने भीतर की इनसिक्योरिटी, और अपने भीतर अगर कुछ एलर्जीज हैं, कुछ पूर्वग्रह हैं, कुछ द्वेष है, तो उससे पहले अपने आप को जांचना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो मुश्किल है, बड़ा अगला मामला है, लेकिन पहले जांचना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये जो द्वेष फैलाने वाली जितनी भी आइडियोलॉजीज होती हैं, उसका सबसे बड़ा मास्टर प्रयोग तो हिटलर ने किया था। ज्यूज को टारगेट करके उन्होंने द्वेष फैलाया, और उसका क्या असर हुआ आप जानते हैं। तो इसका एक बड़ा आधार होता है मिस इन्फॉर्मेशन। गांधी जी का खून किया, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 55 कोटि रुपए देने लगाए, इसलिए गांधी जी का खून किया। तो ये जब आपके जनरेशन में किसी को कहा जाएगा तो आप थोड़े कंफ्यूजन में पड़ेगा, अरे क्या गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 कोटि दान देने लगाए थे और इसलिए ओडिसे ने खून किया था? फिर तो सोचना पड़ेगा।
Was it justified? Maybe. Misinformation ऐसे फैलाई जाती है, क्योंकि जो 55 करोड़ का मामला है वो गांधी जी ने नहीं देने लगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन तब तय हुआ तब उस विभाजन की जो शर्तें तय हुई और जिसके न्यायाधीश अंग्रेज थे, उन शर्तों में ये था कि उस दिन विभाजन के दिन रिजर्व बैंक में जितना भी पैसा होगा वो अब मुझे याद नहीं आधा आधा या 1/3 2/3 ऐसा बांटा जाएगा। चूँकि रिजर्व बैंक बम्बई में लोकेटेड थी तो पैसा बम्बई से पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करना, ये स्वतंत्रता मिलाने की जो शर्तें तय हुई थी उस शर्त का हिस्सा था। तो गांधी जी ने नहीं दिए पैसे, वो तो जब फ्रीडम मिला उसकी शर्त ही थी ये कि ऐसे डिवीजन होगा। और वो गांधी जी का खून करने का कारण ही नहीं था, क्योंकि गोडसे ने उसके पहले कम से कम 10-12 साल से गांधी जी का खून करने के 3 अटेम्प्ट किए थे। उस समय तो न पार्टीशन था न 55 करोड़ था। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन फैला के गांधी जी का खून कैसे जस्टिफाइड था? तो मिस इन्फॉर्मेशन इज अ मेजर वेपन ऑफ क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हेट्रेड बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन कम्युनिटीज। मिस इन्फॉर्मेशन से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? चारों ओर से आप पर बारिश हो रही है, सोशल मीडिया में तो बहुत ही होती होगी, मैं उतना नहीं देखता हूँ सोशल मीडिया, आप तो वही आपका ज्ञान का मुख्य स्रोत है। तो फिर आप कैसे बचेंगे? तो पहली बात तो अपने भीतर के उसके कुछ रूट्स हैं क्या, वो देख के उसकी सफाई करनी होगी। दूसरा, सही इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द ट्रू हिस्ट्री, इसका फैक्ट जानने पड़ेंगे। दूसरे लोग कहेंगे और हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद अभ्यास करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मेरी पढ़ाई का विषय छोड़ के अब मैं ये पढ़ते बैठूं, लेकिन अभी समाज में अगर जीना है और मेरा कोई व्यू पॉइंट बनाना है तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। उसके लिए जो ज़्यादा ट्रू और ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें से अपना व्यू पॉइंट हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री और कल्चर, ये इस द्वेष फैलाने के सबसे बड़े डायमेंशंस होते हैं। तो हिस्ट्री और कल्चर के बारे में खुद पढ़ना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि जो अदर जो कोई तो भी है जिसको विलन के रूप में पेंट किया जाता है, चूंकि उस अदर को हम जानते ही नहीं हैं तो हमको सब सही लगता है। तो उस अदर से थोड़ी पहचान करें, संभव हो तो मित्रता भी करें। तो हमारे ध्यान में आता है कि अरे ये हमारी मेरी जो गलतफहमियां थी कि मुसलमान जो होता है वो तो चाकू लेके ही घूमता है और वो हर रोज दिन में 3 बार बकरी काटता है और वो बहुत अविश्वसनीय होता है, ये मेरी धारणाएं कितनी गलत थी। इसका जब मुझे प्रत्यक्ष अनुभव आता है तो मुझे जो पेंट किया गया है कि मुसलमान ऐसा होता है या क्रिश्चियन मिशनरी ऐसा होता है या और जाति का आदमी ऐसे होता है, ब्राह्मण को कहा जाता है कि दलित बहुत गंदे होते हैं छुओ मत, उत्तर भारतीय आदमी को कहा जाता है ये दक्षिण भारतीय द्रविड़ लोग काले कलूटे होते हैं, उनकी क्या भाषा होती है, आधी लुंगी पहन के नंगे घूमते रहते हैं। दिस इज हाउ विविधता के बारे में मन में द्वेष पैदा किया जाता है। तो एक उसमें दूसरा आसान तरीका है, सीधे मैं उनसे मिलूं। जब इंसान इंसान को मिलता है तो ये काफ़ी बैरियर्स निकल जाते हैं। सो फर्स्ट हैंड मुझे लोगों से मिलना चाहिए और जिनको मैं अदर मानता हूँ, वो अदर धर्म के हो, अदर जाति के हो, अदर भाषा के हो, अदर राज्य के हो। और आखिर सवाल फिर एक्शन का आता है कि मेरे बर्ताव में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे राजकीय व्यू पॉइंट में, हर व्यक्ति को राजकीय कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट होना चाहिए। आप अलग ही नहीं है कि आपको कोई व्यू पॉइंट ही नहीं होगा, तो कोई राजकीय व्यू पॉइंट मेरा होना चाहिए। डजंट मीन कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, लेकिन समाज कैसा होना चाहिए इसके बारे में मेरे मन में कोई भूमिका तो होनी चाहिए, अदरवाइज आई एम अ स्पाइनलेस क्रिएचर जिसकी कोई भूमिका ही नहीं है।
तो फिर मुझे कुछ स्टडीज करके मेरी भूमिका बनानी चाहिए। और खासकर मिस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को कैसे मुक्त रखें, क्योंकि आज आपने सोशल मीडिया पे, मैंने कहा मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा देखा उसमें आज एक आदमी ने, मराठी एक प्रसिद्ध अभिनेता है, उन्होंने स्टेटमेंट किया है कि राहुल गांधी असली गांधी नहीं है, वो तो खान है। यानी राहुल गांधी के जन्म पर ही उन्होंने, और इसका मतलब हुआ सोनिया गांधी पे उन्होंने प्रश्न उपस्थित कर दिया। अब देखिए इस ढंग का जो प्रश्न उपस्थित करते हैं वो कितने नीच लेवल का प्रश्न होता है, उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। तो राहुल गांधी गांधी नहीं है, वो खान है। और ये कौन है कहने वाला, जो महाराष्ट्र में मी नथुराम बोलतो है, इसका जो अभिनय करता है वो शरद पोंक्षे नाम का अभिनेता है। महाराष्ट्र में नथुराम गोडसे का समर्थन करने वाला एक नाटक चल सकता है, हाउसफुल चल सकता है, और उसको अभी रिवाइव किया जा रहा है, और उसका जो मुख्य अभिनेता है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि राहुल गांधी ये गांधी नहीं है, राहुल गांधी ये खान है। अब इस मिस इन्फॉर्मेशन से, और ये मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर वो ये कहता है कि राहुल गांधी का असली नाम राहुल गांधी नहीं है लेकिन कुछ अमर गांधी है, अमेय गांधी है या सीताराम गांधी है, ऐसा नहीं, उसने खान कहा। सो दी टारगेट इज वेरी क्लियर। अब इससे आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, तो आपको अपनी इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी, अपने आर्मर्स बनाने पड़ेंगे वैचारिक। और अंतिमतः कभी न कभी मेरी सांस्कृतिक भूमिका क्या है, मुझे इस देश में सिर्फ एक ही धर्म के, एक ही जाति के, एक ही राजकीय विचारधारा के, एक ही भाषा बोलने वाले ऐसे ही सब लोग चाहिए, कि मुझे देश विविधता से भरा हुआ चाहिए। इसका निर्णय व्यक्तिगत तौर पर हर एक को करना पड़ेगा। मैंने आपको कोई राजकीय कार्यक्रम इससे खास नहीं सुझाया, क्योंकि ये कोई राजकीय विचारधारा का शिविर नहीं है, और चूंकि आप युवा हैं इस स्टेज में आपको और धर्म के बारे में और जाति के बारे में और प्रांतीयता के बारे में और देशों के लोगों के बारे में, पाकिस्तान, आप क्या पाकिस्तानी आदमी का द्वेष करेंगे, मैं पाकिस्तान गया था, तो दुनिया के कई देशों में मैं गया हूं जहां की सड़कों पर घूमते समय मैं भारत से कहीं और जगह हूं ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा नंबर वन देश पाकिस्तान है। कराची के सड़कों पे अगर आप घूमे तो आप कराची में है कि बंबई में है आप फर्क नहीं कर सकते। आप लाहौर की सड़कों पे घूमे तो आप लाहौर में है कि दिल्ली में है आप फर्क नहीं कर सकते। वहां पे रास्ते का आदमी भी हिंदी बोलता है, वो उसको उर्दू कहता है, लेकिन जिन्होंने हिंदी फिल्म देखी है, दिलीप कुमार के कुछ डायलॉग देखे हैं, वो हर आदमी वो हिंदी वो उर्दू समझ सकता है। और पाकिस्तान के लोग इतना प्यार करते हैं भारत के बारे में, जब युद्ध चलता है वो छोड़ दो या क्रिकेट मैच चलती है वो दिन छोड़ दो, लेकिन और दिन तो आप भारत से आए हैं तो बैठो बैठो, आप तो हमारे भाई हैं। एक दुकान में मैं गया तो उनको जब पता चला, कपड़े की दुकान थी, तो मेरे वहाँ बड़े पीडियाट्रिशियन है पाकिस्तान में, वो मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने बुलाया था इसलिए मैं गया था, तो ले गए मुझे कराची दिखा रहे हैं, एक कपड़े की दुकान में ले गए, बोले कराची का टेक्सटाइल बहुत फेमस है। तो उस दुकानदार ने मुझे कहा कि आप इंडिया से आए हैं ऐसे पता चला, तो आपको तो हर चीज़ हम 33% डिस्काउंट देंगे क्योंकि आप इंडिया से आए। और रिक्शा वाले ने तो पैसा लेने से इनकार किया कि आप इंडिया से आए हैं तो इतना सा डिस्टेंस में आपको ले गए तो क्या बात हो गई। मैं कैसे द्वेष करूं पाकिस्तान के आदमी का, भारत की और पाकिस्तान की सरकारें लड़ती रहेंगी और लड़ने के कभी कभी कुछ कारण भी होंगे,
दो देशों के अपने अपने हित और स्वार्थ बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आदमी का मैं नहीं द्वेष कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी इंसान देख लिया है और ये पाया है कि वो कोई बिल्कुल ही फर्क नहीं मुझसे, वो मेरे देश के लोगों जैसा ही है और वो मेरे देश को प्यार करता है, वो इंडिया को प्यार करता है। दिस वेरी सरप्राइजिंग, वेरी अनएक्सपेक्टेड। लेकिन पाकिस्तान का एवरेज आदमी जब युद्ध नहीं चलता है और जब क्रिकेट मैच नहीं चलती, उस दिन वो भारत को प्यार करता है। अक्सर लोगों का तो ये कहना है हम बेवकूफ थे कि जो विभाजन किया, ये अंग्रेजों के बहकाव में आके विभाजन कर लिया, और देखिए आपका तो देश कितना अच्छा जा रहा है, हम तो कितनी बुरी हालत में है, हमको तो एक साथ ही होना चाहिए था। दैट इज द फीलिंग ऑफ द एवरेज मैन इन पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान के आदमी से फेस टू फेस परिचय नहीं होता है, तब तक हमारे मन के बाकी सब शक, संशय और द्वेष हटते नहीं हैं। और एक बार आप पाकिस्तान के आदमी का अनुभव ले लो तो फिर तो द्वेष करना मुश्किल हो जाता है। यू कांट हेट अ पाकिस्तानी, यू मे डिसलाइक पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मे हैव वॉर्स विद ईच अदर। तो ये जिसको हम अदर समझते हैं, इसलिए अदर समझ के उसको हम डेमन बना देते हैं, तो वो डेमन है कि इंसान है, इसका एक दर्शन हो जाना बड़ा उपयुक्त तो होता है, फिर जरा द्वेष करना मुश्किल होता है। तो ये प्रोग्राम आपने पूछा था कि क्या उपाय है, तो मैंने कोई बुरा बड़े राजकीय नहीं बताया, व्यक्तिगत ही बताया, पर्सनली बताया, जो मैं और आप अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं।